हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है बाकी वीडियो से, क्योंकि आज की वीडियो मैं करने जा रही हूँ वायरल ब्लश टेक्निक, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। रील्स भी बहुत लोगों ने बनाई है एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में भी बहुत लोगों ने बनाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ यार, एक बार तो ट्राई कर ही सकती हूँ। और यस, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और आप लोग भी ये ट्राई ज़रूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये रेड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। इसको लोगों ने फोरहेड तक भी यूज़ किया है। इसका मेन मोटिव लगाने का यही है कि इससे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगता है, और जब फुल आप ओवरऑल मेकअप कर लोगे ना, ये जो चिक्स हैं एकदम रेड होंगे एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। लेट्स सी कि मेरे पे ये लुक कैसा लगेगा। और इसको आपको थोड़ा सा ही नहीं, बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक के बाद। ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया मैंने, मैं ट्राई करती हूँ। माय गॉड, सी गाइस, आधे से ज्यादा ही रेड हो चुका है। Oh my God, अभी तक का मेरा लुक ये हुआ है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और कंसीलर ऐड करना पड़ेगा। Now again I am blending. थोड़ी सी मुझे फाउंडेशन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। इस तरफ से पूरा रेड हो चुका है, इस तरफ से ब्लेंड करूंगी। अभी तक का लुक ये हो चुका है एंड अभी भी फेस पे काफ़ी ज़्यादा रेडनेस है, जिसको रिमूव करने के लिए मेरे को थोड़ा सा और फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ेगा।
Now look guys, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी redness जो दिख रही है कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है see. तो गाइज ये था मेरा फाइनल लुक, जो कि ये रेडनेस है ना यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड हल्की हल्की नोज पे भी है एंड थोड़ा थोड़ा ये जहाँ पे ये रेड रेड सा लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो गाइज ये मेरे को तो बहुत मज़ा आया इस वायरल मेकअप को ट्राई करने में. अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना एंड गाइज अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप एक ही स्पॉन्ज से ब्लेंड करते हैं अपने मेकअप को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगर अलग अलग स्पॉन्ज से ब्लेंड करेंगे ना तो ज़्यादा वो वाला लुक नहीं आएगा जो इस तरीके से आया है. और रेड रेड कितना ज़्यादा हो रहा है मेरा फेस, यहाँ पर रेडनेस है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है. तो गाइज अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.